आदिवासी में एक परंपरा है कि हमारा जो तीज त्यौहार है वो काफ़ी कुछ जंगल से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे अपने आदिवासियों का बड़ा देव है जिसको हम साजा का पेड़ कहते हैं, तो वहाँ पर भी साल में एक बार पूजा होती है, तीन साल एक बार पूजा होती है। ऐसा आस्था मतलब लोगों का जंगल से लगा हुआ है। और जब हरियाली त्यौहार होता है, जो गांव के भाषा में उसको फुलेरा कहते हैं, जिसको तीजा बोलते हैं, तो जंगल से ही झाड़ी फूल फल ला के और उसका तीज त्यौहार मनाते हैं। इससे काफ़ी रिश्ता है, उससे भी उस मायने से भी देखें तो हैबिटेट राइट इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा पहल हो सकता है, उसका व्यवस्था अगर अच्छा बनाए रखें तो। हम तो फॉरेस्ट विभाग को एक व्यवसायी विभाग मानते हैं जो आज जंगल को इतना दोहन करके ले गया। और आज से अगर 20-25 साल 35 साल 30 साल पहले की बात अगर बैगा चक्के करें तो वास्तव में वो जंगल था, एक व्यक्ति का घुसना वहाँ नामुमकिन था। और उस समय जंगली जानवर भी बहुत मात्रा में थे, बेलादार वृक्ष भी बहुत थे और जंगल भी था। जो साल बोरर अटैक का मैं जिक्र किया, उसमें एक कीड़ा लगा, जो ये साल वृक्ष है उसमें कीड़ा लगा। और कीड़ा लगने के बाद जब पेड़ सूख जाता था तो उसमें विभाग ने सोचा कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। जब ख़त्म करें तो उसके लिए कुछ तरीका हो, तो तरीका वो निकाले कि आप कीड़ा पकड़ो और कीड़ा को 75 पैसे मुंडी के हिसाब से हम उसको खरीदेंगे और उसके बाद कहीं सुनसान जगह में ले जाके उसको जला देंगे, वो नष्ट हो जाएगा, तो ताकि जंगल सुरक्षित रहे। ये मंशा को लेके सरकार ने मुंडी पकड़ना शुरू करवा किया, उनको कीड़ा पकड़ना का शुरुआत किया। लेकिन लोगों ने, क्योंकि लोगों में उतना तो समझ है नहीं कि हम जंगल हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसको कैसे बचा के रखना है लंबे समय से, तो लोगों ने कुछ अज्ञानता के कारण या थोड़ी सी लालच के कारण सार बोरर अटैक में जो कीड़ा जितना नष्ट किया तो किया, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं लोगों ने गिरा दिया कुल्हाड़ी से, और उसी में अपना कीड़ा पकड़ना शुरू किया। और इसके बाद ऐसे करके हमारे जंगल बहुत नष्ट हो गया है, और वो एक बहुत बड़ा कारण है बैगा चक्के जो जंगल का थोड़ा दोहन होने का भी। और दूसरा वन विभाग ने जो कूप कटिंग करा करा के ले जाए, उसका उसमें भी उसका काफ़ी आधा रोल है। तो मुझे लगता है अगर आप हैबिटेट राइट अगर सरकार ने दिया है तो एक उसमें भी कुछ कुछ प्रावधान है। और पंचायत एक्ट चूँकि ये पूरा पेशा में भी आता है और पूछे पांचवी अनुसूची क्षेत्र है पूरा, जब तक ग्राम सभा अपना प्रस्ताव पारित नहीं करता तब तक कोई ऐसा योजना परियोजना लागू नहीं हो सकता। इसके बावजूद सरकार चाहे तो सब हो जाता है, परंतु उसके लिए जनता को थोड़ा जागरूक करनी पड़ेगी और एकता होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी मुझे लगता है आगे चल के इनको विस्थापित करने की कगार में दिख रहा है आगे भविष्य।